अगर आपका नाश्ता बनाने का मन कर रहा है और कम वक्त में आपको बनाना है तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक स्नैक जो बनाने में आसान तो है ही, लेकिन हेल्दी भी है और बहुत मज़ेदार है। अगर आप बोर हो चुके हैं स्प्रिंग रोल, समोसा या कचौरी बना के, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये नाश्ता, जो उनसे भी बहुत ही बेहतर तो लगता ही है लेकिन कम समय में बनने वाला है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं आज की ये रेसिपी। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पे मैं लेके आता हूँ हेल्दी रेसिपीज़, कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही साथ होम रेमेडीज़। तो प्लीज़, ऑल इन वन ही चैनल है, तो प्लीज़ इसे तो सबसे पहले हमको आटा लगाने की ज़रूरत है, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले एक कप लिया है मैंने मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लार। नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसमें, इससे छोटे कप में, गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लार। अब इसमें ऐड करने जा रहा हूँ मैं बारीक सूजी, 2 से 3 चम्मच आपको लेनी है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अपने स्वाद अनुसार नमक। टेस्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर अजवाइन, जिसे मैं हाथों से ही क्रश करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार पहले मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद मोहिन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे तेल या घी। मैंने घी थोड़ा सा लिया है और तेल भी लिया है, मिक्स लिया है। आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं, या तो घी या तो तेल आप यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच पहले ऐड करना है, और आपको देखना है अच्छी तरह से आटा बन के आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें तेल या घी आपको ऐड करना पड़ेगा। तेल या घी ऐड करने से क्या हो जाता है, जो आउटर कवरिंग होता है बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, इसलिए तेल या घी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये बन के आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इतना तेल या घी काफ़ी है। अभी हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके एक अच्छा सॉफ्ट डो बना के ले लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा और मैदा दोनों यूज़ किया है, आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा थोड़ा सा इसलिए यूज़ किया है ताकि जो नाश्ते का कलर है बाहर का, वो बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा सा वाइटर साइड आता है। अगर आप सिर्फ गेहूं का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ब्राउन लगता है। तो यहाँ पर आटा बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बना है, इसे ढक के रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, तब तक हम स्टफिंग का तैयारी कर लेंगे। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है, और इसमें ऐड करने जा रहा हूँ जो बचा हुआ मेरा घी और तेल का मिक्सचर था, वही मैंने ऐड किया है। अभी सबसे पहले इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम, और जीरे को अच्छी तरह से तड़कने देंगे, और उसके बाद इसमें डाल रहा हूँ मैं कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहिए तो लहसुन और अदरक डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर लहसुन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अदरक यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसमें डाला है मैंने एक चॉप किया हुआ प्याज, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम सब्जियों को ज़्यादा भूनते नहीं, थोड़ा सा क्रंचीनेस सब्जियों में रहना चाहिए, क्योंकि हम वेजिटेबल का स्टफिंग कर रहे हैं। तो अभी हम ऐड करेंगे इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां, जो भी आपको पसंद है सभी सब्जियां इसमें आप डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च के बाद मैंने ऐड किया है गाजर, हल्का सा इसे भी भून लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। यहाँ पे मैं इतनी सब्जियाँ ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी ऐड कर सकते हैं, हरी मटर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े चाहिए तो आप फ्रेंच बीन्स भी इसमें डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को हल्का सा हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, और उसके बाद थोड़े से पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके का अगर हम चटपटा स्नैक बना के उनको देते हैं तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो ये सब्जियां भून चुकी हैं, तो ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैं ऐड करूँगा इसमें काला मिर्च पाउडर, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पाउडर मैं डाल रहा हूँ इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद इसमें डाल रहा हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। मसाले आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल रहा हूँ मैं एक मैजिकल इन्ग्रीडियंट, वो है मैगी मैजिक मसाला। इससे स्वाद बहुत ही चटपटा आता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो बस अभी सभी मसाले हो चुके हैं, तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और अपना जो स्टफिंग है पूरी तरह से एकदम परफेक्टली रेडी है। उसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया, हम हरा फ्रेश धनिया डाल देंगे, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बस ये रेडी है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं।
तो अपना स्टफिंग रेडी है, तो साथ ही साथ हम आटा भी चेक कर लेते हैं। आटा आप देख सकते हैं परफेक्टली सेट हो चुका है, तो इसे हल्का सा हम नीड कर लेंगे और उसके बाद इसकी छोटी छोटी लुइया तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, तो इसे बेल लेते हैं। क्योंकि हमने तेल और घी थोड़ा सा ऐड किया आटे में, तो हमको सरफेस पे और आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से हमको बेल के लेना है। एकदम पतला भी नहीं करना है, ना ही मोटा रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम मीडियम हमको रखना है इसे। और फिर हम इसका स्टफिंग भी इसमें कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्टली हो चुका है, इसी तरीके से आपको बेल के लेना है। अभी हम स्टफिंग कैसा करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा मसाला जो हमने बनाया है वो डाल देना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है, नहीं तो पैक करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये मसाला डालने के बाद थोड़ा सा साइड पे यानी कि एजिस पे पानी लगा लीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, ये अच्छी तरह से लेयर उसके ऊपर जो दूसरा है चिपक जाएगा और ये फ्राई करते वक्त खुलेगा नहीं। उसके बाद इसे अच्छा शेप देने के लिए हम जो गुजिया कटर होता है उसे कट कर लेंगे और अच्छा सा एक शेप दे देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली हमारा जो नाश्ता है यानी कि मसाला गुजिया का नाश्ता परफेक्टली बन के रेडी है। सिर्फ अभी हमको सभी जो बचे हुए जो आटे के गोले हैं उसे इस तरीके से बना के लेना है। फर्स्ट हमको ये रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने साइड्स जो होते हैं यानी कि एजिस उसे भी हल्का सा मैंने प्रेस कर लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त खुले नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट बाकी जो बचा हुआ आटा है उसकी भी इसी तरह की गुजिया बना के रेडी कर लेते हैं और फिर फ्राई करना शुरू करते हैं। तो तेल यहाँ पे गैस पे गर्म हो चुका है, पहले हम दो इसमें डालेंगे और इसे हल्के आंच यानी कि मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट ये तुरंत ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया है, तो अभी इसे निकाल के साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे ये दो परफेक्टली फ्राइड हो चुके हैं, बाकी बचे हुए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसे सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ या कोई भी लाल चटनी हो स्पाइसी वाली, उसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो दोस्तों अपना चटपटा नाश्ता बनके रेडी है, ये शाम के टाइम तो बहुत ही बढ़िया लगता है अगर आप चाय के साथ सर्व करते हैं। आप इसकी तैयारी जो स्टफिंग है पहले से करके रख सकते हैं, बाकी आटा गूंथ के फटाफट से ये नाश्ता आप बना के बना सकते हैं या तुरंत आप इसे सर्व कर सकते हैं। अपना नाश्ता तो बनके रेडी है और मुझे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा इसे टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके पहले एक तोड़ के आपको मैं दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं स्टफिंग भी परफेक्ट है, कलरफुल लग रहा है और खुशबू जो है मसाले की बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दोस्तों ये नाश्ता आप ज़रूर बनाइए, मानसून सीज़न यानी कि बारिश के मौसम में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और आज की ये रेसिपी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ एंड फन लाइफ़।